हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ट्रेन के बारे में बताने वाले हैं जिसका बहुत ही डिमांड है। कोई भी सीज़न हो, भले ही वो ऑफ सीज़न या फिर ऑन सीज़न हो, इसका टिकट कभी भी नहीं मिलता है। जो भी यात्री इस ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं वो बहुत परेशान होते हैं, चाहे तत्काल में बुक करें या फिर जनरल में बुक करें, इसका टिकट हमेशा ही फुल रहता है। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रेन का नाम है गोदान एक्सप्रेस, जो कि LTT और छपरा के बीच में चलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आपको इस ट्रेन के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, ट्रेन नंबर 11059 छपरा एक्सप्रेस यानी गोदान एक्सप्रेस, जो कि LTT और छपरा के बीच में चलती है, हफ्ते में 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को। ये सुबह में 10:55 पे लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई से निकलती है और ये आपको अगले दिन रात को 9:05 पे छपरा जंक्शन पहुँचा देती है। दोस्तों, ये ट्रेन 1772 किलोमीटर का सफ़र 34 घंटे 10 मिनट में कवर करती है। दोस्तों, आपको बता दें कि यात्रा के दौरान इस ट्रेन में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। जब भी आप AC कोचेस में ट्रैवल करते हैं, जैसे कि थर्ड AC हो गया, थर्ड AC इकोनॉमी हो गया, सेकेंड AC हो गया, तो इन कोचेस में आपको यात्रा के दौरान लिनन प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि कंबल, बेडशीट, तकिया, चादर। इन कोचेस में आपको मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, एक साइड टेबल रहता है जिस पे आप लंच ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, सीट के ऊपर रीडिंग लाइट लगा रहता है जो कि ऑन करके आप यात्रा के दौरान न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, लोअर सीट के नीचे आप अपना लगेज रख सकते हैं, वाटर बॉटल रखने के लिए वाटर बॉटल होल्डर भी दिया गया है, कैबिन में मिरर भी दिया गया है, आप लोअर सीट के नीचे अपना लगेज रख सकते हैं, लोअर सीट हो गया या फिर साइड लोअर। दोस्तों, इस ट्रेन के सीट्स के बारे में बता देते हैं। जब भी आप थर्ड AC या फिर थर्ड AC इकोनॉमी में ट्रैवल करते हैं तो इन कोचेस में एक कैबिन में 6 सीट्स होते हैं, लोअर, मिडल, अपर, उसके ऑपोजिट सेम लोअर, मिडल, अपर, और साइड में 2 सीट्स रहता है, साइड लोअर और साइड अपर। और वहीं पे आप सेकेंड AC में ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पे लोअर सीट और अपर सीट रहता है और उसका अपोजिट सेम और साइड में 2 सीट रहता है, साइड लोअर और साइड अपर। दोस्तों, AC कोचेस के जो विंडोज़ रहते हैं वो बड़े रहते हैं और उन विंडोज़ पे कर्टन्स लगे रहते हैं। दोस्तों, जब भी आप स्लीपर क्लास में ट्रैवल करते हैं तो इन कोचेस में एक साइड में 3 सीट्स रहता है, लोअर, मिडल, अपर, उसके अपोजिट सेम, और साइड में 2 सीट्स रहता है, साइड लोअर और साइड अपर। और इसमें भी आपको मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, एक साइड टेबल रहता है और आप लोअर सीट के नीचे अपना लगेज रख सकते हैं, एक कैबिन में मिरर भी दिया गया है और वाटर बॉटल होल्डर भी रहता है। दोस्तों, AC कोचेस में ट्रैवल करें या फिर आप स्लीपर क्लास में ट्रैवल करें, इन कोचेस में आपको 4 वॉशरूम दिए गए हैं। दोस्तों, गोदान एक्सप्रेस में भी हाउसकीपिंग स्टाफ रहते हैं जो कि आपके कोचेस की रेगुलर इंटरवल्स पे साफ़ सफाई किया करते हैं। अगर आपका कोच गंदा भी होता है तो वहाँ पे हाउसकीपिंग स्टाफ्स का नंबर मेंशन किया रहता है, उस पे आप कॉल करके उनको बुला सकते हैं और आप अपने कोच या फिर वॉशरूम की साफ सफाई करवा सकते हैं। दोस्तों, गोदान एक्सप्रेस के हम कोच कॉम्पोजिशन के बारे में बता देते हैं। इस ट्रेन में 3 जनरल क्लास के कोच हैं, 10 स्लीपर क्लास के कोच हैं। अभी रिसेंटली इसमें थर्ड AC इकोनॉमी का कोच ऐड किया गया था जो कि 1 है, और इसमें 5 थर्ड AC का कोच है और 1 सेकेंड AC का कोच है। इस ट्रेन में दोस्तों फर्स्ट AC का कोच नहीं है। और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस ट्रेन में पेंट्री कार की सर्विसेज नहीं है, तो आपको पेंट्री कार से फूड नहीं मिलेगा। हाँ, ऑनबोर्ड केटरिंग से आपको मिल सकता है और आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करके भी अपने सीट पर मंगा सकते हैं और स्टेशन पर भी आपको खाना मिलता रहेगा। तो आप घर से जाएँ तो घर से अपना खाना लेके जाएँ ताकि आपको खाने की परेशानी ना हो। दोस्तों, गोदान एक्सप्रेस LHB रेक के साथ चलती है। दोस्तों, आपको गोदान एक्सप्रेस के किराए के बारे में आपको बता देते हैं। अगर आपको स्लीपर क्लास में ट्रैवल करना हो तो इसका किराया है 695 रुपये, वहीं पे थर्ड AC इकोनॉमी का किराया है लगभग 1750 रुपये, और अगर आपको थर्ड AC में ट्रैवल करना हो तो उसके लिए 1850 रुपये पे करने पड़ेंगे, और वहीं पे अगर आपको सेकेंड AC में ट्रैवल करना हो तो इसका किराया पड़ेगा 2680 रुपये। और इस ट्रेन में आप तत्काल टिकट भी बुक कर सकते हो जिसका किराया इससे ज़्यादा रहेगा, वो आप टिकट बुक करने के टाइम पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको गोदान एक्सप्रेस से ट्रैवल करना होगा तो इसका
टिकट आप कहाँ से बुक कर सकते हैं उसके बारे में बता देते हैं। आप ऑनलाइन IRCTC का वेबसाइट, IRCTC का मोबाइल ऐप या फिर स्टेशन पर टिकट विंडो काउंटर पर जाकर इसका टिकट बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस ट्रेन के अब हम हॉल्ट्स के बारे में आपको बताते हैं कि आप इस ट्रेन को कहाँ से बोर्ड कर सकते हैं। ये ट्रेन सुबह में हफ्ते में 3 दिन जो कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह में 10:55 पे लोकमान्य तिलक टर्मिनल से निकलती है। उसके बाद यह थाने रुकती है 11:13 पे। फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टॉप है कल्याण जंक्शन जो कि 11:35 पे पहुंचेगी सुबह में, और यहाँ पे ये सिर्फ 5 मिनट रुकेगी। उसके बाद इसका डायरेक्ट नेक्स्ट हॉल्ट है नासिक रोड जो कि आपको 2:25 पे पहुंचाएगी, और यहाँ पे ये 5 मिनट रुकेगी। नासिक से निकलने के बाद इसका नेक्स्ट स्टॉप है भुसावल जंक्शन जो कि शाम को 5:35 पे पहुंचाएगी, और यहाँ पे ये 5 मिनट रुकेगी। इसके बाद ये सीधा रुकेगी इटारसी जंक्शन जो कि रात को 10:00, यहाँ पे इसका 10 मिनट का हॉल्ट है। इटारसी से निकलने के बाद ये ट्रेन सीधा जबलपुर रुकेगी रात को 1:00। उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टॉप है सतना, और ये सतना से निकलेगी तो सुबह में आपको 8:10 पे प्रयागराज जंक्शन पहुँचा दे। इसके बाद ये ट्रेन आपको जौनपुर पहुँचाएगी 1:18 पे। फिर आजमगढ़ इसका टाइमिंग है 3:55 पे आपको दोपहर में पहुंचा दे दोस्तों। फिर ये ट्रेन आपको भटनी जंक्शन पहुंचाएगी शाम को 6:15 पे। उसके बाद ये आपको सिवान जंक्शन पे पहुंचाएगी शाम को 7:35 पे, और यहाँ पे ये 5 मिनट रुकेगी। इसके बाद डायरेक्टली ये आपको छपरा जंक्शन पहुँचा देगी रात को 9:05 पे। टोटल ये 1772 किलोमीटर आपको 34 घंटे 10 मिनट में कवर कर लेगी। दोस्तों इस ट्रेन के हम रिटर्न जर्नी के बारे में आपको बता देते हैं। ट्रेन नंबर 11060 छपरा LTT एक्सप्रेस जो कि हफ्ते में 3 दिन छपरा और LTT के बीच में चलती है, जो कि है सोमवार, गुरुवार और शनिवार को। ये सुबह में 5:45 पे छपरा जंक्शन से निकलती है, और ये अगले दिन आपको दोपहर में 3:20 पे लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स मुंबई पहुँचा देती है। दोस्तों गोदान एक्सप्रेस जब भी आपको ट्रैवल करना हो तो इसका टिकट आप एडवांस में ही बुक करवा लें, क्योंकि इसका टिकट जल्दी मिलता नहीं है। दोस्तों गोदान एक्सप्रेस के जनरल क्लास के बारे में बात करें तो अगर आपको इस ट्रेन के जनरल कोच में ट्रैवल करना हो तो इसका टिकट आप स्टेशन पर टिकट विंडो काउंटर से यात्रा के दिन ही जाकर ले सकते हैं, परंतु जनरल क्लास में बहुत भीड़ रहता है। आप कहीं से भी इस ट्रेन को बोर्ड करें, LTT से बोर्ड करें या फिर कल्याण से बोर्ड करें या फिर नासिक से भी बोर्ड करें या फिर रिटर्न जर्नी में भी आप इस ट्रेन में जनरल क्लास में बहुत भीड़ रहती है। इसमें पैर रखने को भी जगह नहीं रहता, इतनी पब्लिक इस ट्रेन में ट्रैवल करती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी गोदान एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। क्या आपने कभी गोदान एक्सप्रेस ट्रेन से ट्रैवल किया है? अगर किया है तो आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसा रहा वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट में लिखें, हम उसका आंसर देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों से मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।